मेरे सारे प्लान्स तभी फेल होते जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, इन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा और तब जाके ट्विंकल मेरे चुंगल में फंसेगी और तब जाके उसे रियलाइज होगा कि युवराज लूथरा की बीवी होने का क्या मतलब है। अब वो तभी होगा जब उसके साथ मेरी सुहागरात होगी। कल जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद मुझे पूरा यकीन है जब तक कुंज और ट्विंकल साथ में हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों के सामने कितना भी बड़ा खतरा आ जाए सब टल जाता है। जब तक मैं अपनी वाइफी के साथ हूं तब तक कोई खतरा उसे छू भी नहीं सकता सिवाय मेरे। चला जाए यहां से वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, समझा? वाह, गुड डायलॉग, वेरी गुड। लेकिन रॉन्ग डायलॉग। मैं क्यों जाऊं? अभी अभी तो हमारी शादी हुई, अभी तो मैं अपनी बीवी के साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। और यार तू बोल रहा है कि मैं चला जाऊं, तू मुझे धमकी दे रहा है। तू ही बता, ये मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो और क्या है? दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। ओए यार, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठने दे, बात करने। बहुत खूबसूरत लग रही है। हाथ कैसे लगा था? कुंज, जाने दो, तुम्हें जान के प्रोवोक करे, इग्नोर करो उसे। अबे तू होता कौन है हमारी फैमिली मैटर्स में बोलने वाला? वो मेरी बीवी है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा तो क्या तू हाथ लगाएगा? हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। सरोजनी बिटिया, एक थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि ये थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, मैंने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से
सारी जागीर ना। ये आमिर कोर्ट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। सारी हुकूमत आमिर कोर्ट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, जो मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?